Chicago chapter ke president, puri intizamiya, workers, mehmanane grami, ab sabko mubarakbad deta hu. Aur is baat ne sabit kar diya hai ki aap mere aur apne qaid Parvez Musharraf ko apni dil aur apne jaan se pyar karte ho. मैं कब अपनी फिक्र पे हाथ मलने वाला हूं, निजामे वक्त का हुलिया बदलने वाला हूं. मजलिस खवातीन और हजरात, मैं सबसे पहले अपना तारफ कराना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं. जिस तरह आज के स्टेट सेक्रेटरी ने बताया कि मेरा नाम अंजुम भट्टी है, वाकई मेरा नाम अंजुम भट्टी है और मेरा तल्लक मसीही बरादरी से है. मैं क्रिश्चियन हूं और 28 साल से एग्जिस्ट कर रही है क्रिश्चियन लीग ऑफ पाकिस्तान इन अमेरिका. पाकिस्तान का कोई ऐसा कायद, नामनहाद लीडर, स्टेट हेड, अम्बेसडर नहीं है जिससे मैंने दो मर्तबा, तीन मर्तबा टेबल टॉप ना की हो. मैं गुनागार ने तकरीबन 87 डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में स्टेज की है और पाकिस्तान के जो हेड है उन्हें मजबूर किया कि वो टेबल पर आए और टेबल टॉप करें. लेकिन मैं इनकसारी के साथ ये बात आपको बताना चाहता हूं कि किसी हेड ऑफ स्टेट ने मेरे शाने पर हाथ तो रखा है, मुझे प्यार देने की, झूठा प्यार देने की कोशिश तो की है, लेकिन मुझे हमेशा लिप सर्विस प्रोवाइड की है. बेनजीर, नवाज शरीफ, मोइन कुरैशी, मिर्ज़ाफर उल्लाह खान जमाली, जरदारी साहब को तो निकाल ही दे आप. तो इसी समय, इसी टेन्योर में वक्त गुजरता गया और इत्तेफाक से मेरी अपने कायद परवेज मुशर्रफ से बात हुई. अब मैंने उसे बासूल, ईमानदार, बाकरदार, विजनरी पाया. तो लम्हात कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप लोग जो दूर दराज का सफर यहां करके आए हो, आपको फीड करना भी जरूरी है. एक तो फीड आप रोटी से होते हो, दूसरा नॉलेज से होते हो, जो आपने नमाज पढ़ी है रूहानी तौर पर भी फीड होते हो. तो हमें हर किस्म की जो फीडिंग है उसकी जरूरत है. मैंने परवेज मुशर्रफ को बाकरदार, विजनरी, बहादुर, नडर, बेबाक पाया. दोस्तों अजीजों, परवेज मुशर्रफ ने हमें क्या दिया है, पाकिस्तानी मसीहियों को. 5-6 साल पहले प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मेरी जमात ने, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर फिलाडेल्फिया में होस्ट किया और उनकी खिदमात के सिले में उन्हें ऑनर किया फिलाडेल्फिया में. और मैंने प्रेसिडेंट साहब को बताया आप वहद आदमी हैं जिन्होंने मसीहों को जॉइंट इलेक्शन देकर पाकिस्तानी मसीहों को पाकिस्तान में बराबरी के हकूक प्रोवाइड किए. हम फरिश्तों की दुनिया में नहीं रहते, हम सब कमजोर हैं. अगर हम कमजोर हैं तो लीडर जो हैं दे कम फ्रॉम अस, वो भी कमजोर हो सकते हैं. हम सब लोग जो हैं छोटी मोटी गलतियां करते हैं, लेकिन बहादुर इंसान वो है जो गलतियों को इग्नोर करता है. तो कुछ प्रॉब्लम रहे, परवेज मुशर्रफ ने चाहे कोई बहुत बड़ा चर्च है या कोई छोटा सा चैपल है, तमाम मुल्क में ये बहुत बड़ी बात है, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की. और उसके तनाजर में, मुकाबले में, ये जो करंट गवर्नमेंट है वो 40 साल से पाकिस्तान के साथ चिपटे हुए हैं, जिस तरह
चिचड़ जो है वो गाय या भैंस के साथ चिपका हुआ है, वो लोगों का खून पी रहे हैं। और पाकिस्तान में मसीहों की कॉलोनियां जलाई जाती हैं, पाकिस्तान में चिमनियों में, भट्टों की चिमनियों में लोगों को जलाया जाता है। दोस्तों अजीजों, हमें वो लीडर चाहिए जो ईमानदार हो, बाकतदार हो, और उसकी नजर नजदीकी ना उसकी दूर की नजर हो, उसे ये नजर आए कि पाकिस्तान में डाउनट्रॉडन कम्युनिटीज भी सांस ले रही है। दोस्तों अजीजों, आपसे बेनती करता हूं, आपसे इल्तमास करता हूं, आपको आज ये कहना चाहता हूं, बावर करवाना चाहता हूं कि जिस तरह आप घर की चार दीवारी में रोल मॉडल हैं, अगर कोई अच्छा बाप नहीं है वो अच्छा मामू भी नहीं हो सकता, अगर कोई अच्छा हस्बैंड नहीं है तो अच्छा चाचा भी नहीं हो सकता। जब हम चार दीवारी में ये रोल बड़ी खूबसूरती से अदा करते हैं, हम अच्छे वोटर भी हो सकते हैं। अच्छे वोटर हम उसी वक्त होंगे, अच्छे शहरी हम उसी वक्त होंगे जब हम घर की चार दीवारी में अपना अपना रोल अदा करेंगे। अगर माइंड, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, मुझे आप अच्छी माइंड दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। कल से दो चार मेरे दोस्त बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, हमारी बेगमात हमारे साथ होनी चाहिए थी। यह बहुत बड़ा खूबसूरत आइडिया है। जब हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं तो हम अपने बच्चों को किस तरह गाइड कर सकते हैं कि हमारा लीडर जो है वो परमेश्वर मुशरफ है। हमने घर घर में, महल्ले महल्ले में, गली कूचे में ये कहानियां जब तक लेकर ना आएंगे, हमें ताकत की जरूरत है। ताकत जो है वो हमारी यूनिटी, हमारे इत्तेहाद से, हम इत्तेहाद की सभी मजबूत होंगी तो हम परवेज मुशर्रफ को ये बावर करवा सकते हैं कि प्रेसिडेंट हम आपके साथ हैं। और अगर हम तीरा तीरा हैं, हम तो अपने साथ नहीं, परवेज मुशर्रफ के साथ क्या होंगे। दोस्तों अजीजों, आखिर में वक्त की कमी की निस्बत से मैं चंद वर्सेस ऑफ पोएट्री कहना चाहता हूं। ये मेरा उस्ताद है जिसके शेर हैं, आज उस मरहूम को याद कर रहा हूं, डॉक्टर ख्याल अमरोही। मैं कब अपनी फिक्र पे हाथ मलने वाला हूं, निजाम वक्त का हुलिया बदलने वाला हूं। सुकून पसंद अभी मुतमिन ना हो बैठे, सुकून पसंद अभी मुतमिन ना हो बैठे, सुकून पसंद अभी मुतमिन ना हो बैठे, सुकून पसंद अभी मुतमिन ना हो बैठे। मैं भूल गया हूं। मैं कब अपनी फिक्र पे हाथ मलने वाला हूं, निजाम वक्त का हुलिया बदलने वाला हूं। मुझे अजीज नहीं फर्शे का कम ओ सिंजाब, मुझे अजीज नहीं फर्शे का कम ओ सिंजाब, मैं सख्त जान हूं कांटों पे चलने वाला हूं। मुझे अजीज नहीं फर्शे का कम ओ सिंजाब, मैं सख्त जान हूं कांटों पे चलने वाला हूं। बफैजे वक्त जो काल किताब हुई मुझे, यही अब मैं वक्त के चेहरे पर मलने वाला हूं। जमाना जमाना अपने लिए गार मुंतखब कर ले, जमाना अपने लिए गार मुंतखब कर ले, मैं इंतकाम हूं करवट बदलने वाला हूं।